दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है सीपी क्लासेस। जो लोग चैनल पर नए आए ना, पहले तो उसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो जो बताने वाला हूँ अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करके कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और शेयर ज़रूर कर देना इस वीडियो को। तो चलिए, लास्ट वीडियो में बात करी थी आपसे मैंने यूनिटी ऑफ कमांड की, आज हम बात करेंगे एक नए प्रिंसिपल की जो कि फेओल का प्रिंसिपल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इसका नाम है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखो, इस प्रिंसिपल में टैगलाइन है वन हेड वन प्लान, ये इसकी टैगलाइन है इस प्रिंसिपल की। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, देखो जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी के अंदर एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं, मतलब कि 20 लोग हैं, उनका एक ग्रुप है, उनके सेम थॉट्स हैं, उनके गोल्स भी सेम हैं कंपनी की सक्सेस के लिए, तो क्या होना चाहिए? इन सभी लोगों को एक टीम में काम करना चाहिए और उस पूरी एक टीम का एक प्लान होना चाहिए और उनके ऊपर एक बॉस होना चाहिए, तभी लाइन दी गई है वन हेड एंड वन प्लान। सो ऑल द यूनिट्स शुड बी मूविंग टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव्स। ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड वन प्लान। तो फंडा समझ में आया होगा आपको कि क्या करना है इस प्रिंसिपल के अंदर। जितने भी लोग एक जैसी थॉट के हैं, एक जैसा काम करते हैं, उनका एक ग्रुप बनाइए और उस ग्रुप को एक ऑब्जेक्टिव सेट करिए, वो एक टीम बन गए बेसिकली काम करने के लिए, और उस पूरी टीम के ऊपर उनका एक हेड मतलब एक बॉस होना चाहिए। तो वन हेड वन प्लान इज द सिंपल फंडा अंडर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखो, यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता था, वन हेड वन बॉस था, यहाँ पर अब क्या है, वन हेड वन प्लान है यहाँ पर, ठीक है। अब एक कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो काम करते हैं, तो हमें क्या ध्यान रखना है, यार जितने भी डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं वो सभी क्या काम करें, वो सभी ऐसे काम करें कि कंपनी में जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो कंपनी के गोल्स की तरफ जाएं, ठीक है। कंपनी को साथ में ये भी ध्यान रखना है कि क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन का, क्या थ्रेट्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल कंपनी को हेल्प करने वाला है कि लोग एक सिंगल यूनिट बनकर काम करें जिससे उनको बेटर रिजल्ट आए। अब आप एक एग्जांपल से समझो, सपोज़ ए कंपनी के अंदर कार्स भी बनती हैं, मोटरसाइकिल्स भी बनती हैं, दो डिवीजन है बेसिकली उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम को करने के लिए, दो काम इकट्ठे हो रहे हैं। अब हर डिवीजन का आप सोचो, कार या मोटरसाइकिल है जो भी है, उनका अपना अपना मार्केट है, उनकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, तो कार का डिवीजन एक अलग डिवीजन हो गया, मोटरसाइकिल का डिवीजन एक अलग डिवीजन हो गया। जो कार का डिवीजन है वहाँ पर जितने भी लोग काम कर रहे होंगे उनका सेम तरीका, सेम एक्टिविटीज़ वो लोग कर रहे हैं, तो उनका एक बॉस होना चाहिए, उस कार के डिवीजन का एक अलग से एक ऑब्जेक्टिव होगा। इन द सेम मैनर बिल्कुल वैसे ही मोटरसाइकिल का जो डिवीजन है उसका भी एक बॉस होगा पूरी डिवीजन का, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करेगा, सारी की सारी एक्टिविटीज़ का इंचार्ज होगा, सारी की सारी चीज़ उनको समझाएगा वो ढंग से कैसे काम करना है क्या नहीं करना है, उनका सबका एक ही प्लान होगा और एग्जीक्यूशन का तरीका होगा। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर बेसिक फंडा यही निकल के आया कि एक हेड और एक प्लान होना चाहिए पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तभी जाकर गोल्स बहुत बढ़िया तरीके से अचीव होंगे। अब फायदे क्या क्या हैं इसके, देखो एक चीज़ आप समझ लेना, यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है कि एक बॉस होना चाहिए एक इंसान के ऊपर, ठीक है। उससे क्या होता है, कंपनी एफिशिएंटली चलती है या कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ती है उससे। बट अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात करूँ मैं, उससे कंपनी एफिशिएंटली रन करती है, इसलिए दोनों की अपनी अपनी एक प्रायोरिटी है। अब अगर आप यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बेनिफिट्स की बात करोगे तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। यूनिटी ऑफ एक्शन होती है, कोऑर्डिनेशन मेंटेन होता है बहुत बढ़िया तरीके से, और कॉमन गोल होते हैं तो सब लोग मिलकर काम करते हैं। बट अगर नहीं फॉलो करोगे प्रिंसिपल तो एफिशिएंसी नहीं आती है, कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आएगी कंपनी के अंदर और डुप्लीकेशन होगा और रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं इस प्रिंसिपल को अगर मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ तो। इसलिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड के बाद, और दोनों की अपनी अपनी जगह है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी डाउट है तो दोबारा वीडियो चलाकर सुनो एक बारी, मैंने जो एग्जांपल दिया है उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो कमेंट करना, ज़रूर बताना कि कैसा लगा ये वीडियो और टॉपिक, आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। सो गाइस, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और चैनल पर नए होना तो सब्सक्राइब ज़रूर कर जाना ताकि रेगुलर आपको वीडियोस मिलते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टू दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।